फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 6 AM मॉर्निंग रूटीन। तो चलो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो उठते ही मैं अपना हेयर कॉम्ब करके टाइट कर लेती हूँ और इसके बाद फ्रेश अप होती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो रहा है और मैं अपना बेड अरेंज कर रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, केरला में उतना विंटर्स नहीं होता है, सिर्फ जैन के मंथ उतने वक्त थोड़ा सा ठंड होता है और फिर बाय 6:30-7 o'clock से धूप आता है और फिर नॉर्मल डे ही होता है। टू डू लिस्ट सब लिखने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और मम्मा का थोड़ा सा हेल्प कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी पीती हूँ, बादाम खाती हूँ जो सोख्ड है, और साथ ही में सबके लिए बादाम पील भी करती हूँ। लास्ट ईयर मैं एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करती थी, आपने मेरा इवनिंग व्लॉग्स में देखा होगा, कभी करती थी कभी नहीं करती थी। तो न्यू ईयर से मैंने एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना शुरू कर लिया है। एक्सरसाइज के बाद मैं बाहर आ गई और धूप भी निकल रहा है। वैसे इन प्लांट्स को हम एक दिन छोड़ के ही वाटर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये वाले नए पॉट में हमने लगा दिया है जिंजी प्लांट, और ये पॉट और ये प्लांट बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलो स्कूल के लिए कुछ रिवाइज करते हैं। तो जब तक मैं नीचे आ गई, मम्मी बना रही है पुट्ट। पुट्ट आपने शायद सुना होगा, जो केरला का ब्रेकफास्ट है, जो इसमें बनता है। राइस को ना ऐसे हल्का सा बेट करके कोकोनट के साथ बनाते हैं, और जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तब दिखाऊंगी। और साथ ही में चना करी भी बन रहा है कुकर में है। बोलूस क्या कर रहे हो? बोलूस क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? और ये देखकर याद आया कि आज हमारा स्कूल में प्लैनेटोरियम है। क्या बोलूस को याद आया आज प्लैनेटोरियम है? तो अब मिलते हैं शब्द के बाद। तो अभी करते हैं आज का ब्रेकफास्ट पुट, जो मैं खाऊंगी चना करी के साथ।
ब्रेकफास्ट की बात मैं लंच पैक करूंगी और लंच में आज बना है पुलाव। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है 9 o'clock और मेरा बस भी आने वाला है। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।